गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन प्रिंटेड नोट्स इंग्लिश चैप्टर 5 द स्विंग एंड द फर्स्ट हेडिंग इज वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जिसकी मीनिंग सेम होती है। स्विंग SWING स्विंग। स्विंग मीनिंग इज टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड। टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज ऑपोजिट। लाइक ऑपोजिट इज डिसलाइक। लाइक ऑपोजिट इज डिसलाइक। लाइक मीन्स पसंद एंड डिसलाइक मीन्स ना पसंद। नेक्स्ट वाइड WIDE वाइड। वाइड ऑपोजिट इज नैरो। वाइड ऑपोजिट इज नैरो। वाइड मीन्स चौड़ा एंड नैरो मीन्स कम चौड़ा। नेक्स्ट ओवर। ओवर अपोजिट इज अंडर। ओवर अपोजिट इज अंडर। ओवर मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। नेक्स्ट प्लेजेंट। प्लेजेंट अपोजिट इज अनप्लेजेंट। प्लेजेंट अपोजिट इज अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स सुहाना एंड अनप्लेजेंट मीन्स जो सुहाना नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट प्लेजेंट थिंग फॉर द चाइल्ड। व्हाट इज द मोस्ट प्लेजेंट थिंग फॉर द चाइल्ड। एक बच्चे के लिए सबसे सुहानी चीज क्या होती है। एंड द आंसर इज द मोस्ट प्लेजेंट थिंग फॉर द चाइल्ड इज टू गो अप इन स्विंग। बच्चे के लिए सबसे सुहानी चीज़ होती है झूले में ऊपर जाना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड कैन सी। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड कैन सी। बच्चा कौन सी चीज़ देख सकता है। एंड द आंसर इज द चाइल्ड कैन सी रिवर ट्रीज एंड कैटल। द चाइल्ड कैन सी रिवर ट्रीज एंड कैटल। बच्चा रिवर्स ट्री एंड कैटल देख सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्लेस द चाइल्ड कैन सी। व्हाट आर द प्लेस द चाइल्ड कैन सी। वह कौन सी जगह है जिसे बच्चा देख सकता है। एंड द आंसर इज द चाइल्ड कैन सी द कंट्री साइड एंड गार्डन। द चाइल्ड कैन सी द कंट्री साइड एंड गार्डन। बच्चा कंट्री साइड एंड गार्डन को देख सकता है। ओके okay?